प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी है लालची गुलहरी। एक तपा का जिक्र है कि एक सरसब्ज जंगल में एक गुलहरी रहती थी, जिसका नाम सेमी था। सेमी बहुत मेहनती थी और सर्दियों के लिए बलूत जमा कर रही थी। इस साल जंगल में बहुत ज़्यादा बलूत थे और सेमी ने सोचा कि वो जितने ज़्यादा बलूत जमा कर सकती है करेगी, ताकि सर्दियों में कभी भूख ना लगे। सेमी के दोस्त खरगोश एली ने उसे कहा कि जंगल में सबके लिए काफ़ी बलूत हैं, शायद सेमी कुछ बात के लिए भी छोड़ दे। लेकिन सेमी ने कहा कि वो चाहती है कि उसके पास सबसे ज़्यादा बलूत हों। सेमी ने इतने ज़्यादा बलूत जमा कर लिए कि उसका घोंसला भर गया। एक दिन उसका दोस्त बनी, जो कि एक ब्योर था, आया और सेमी से कुछ बलूत मांगे। बनी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सेमी ने इनकार कर दिया और कहा कि उसे अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बलूत जमा करने हैं। कुछ दिन बाद जंगल में खुशहाली हो गई और खाने की कमी हो गई। एली और बनी ने सेमी से दोबारा बलूत मांगे, लेकिन सेमी ने कहा इसके पास काफ़ी है और वो किसी से बांटना नहीं चाहती। फिर एक दिन सेमी ने देखा कि उसके बलूत ख़त्म हो रहे हैं और उसने जो बलूत जमा किए थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो खुद भी उन तक नहीं पहुंच सकती थी। सेमी बहुत परेशान हो गई। आखिरकार एली और बिनी ने सेमी की मदद की और बलूत को दोबारा तकसीम किया, ताकि सबके पास खाने के लिए कुछ हो। सेमी ने सीखा कि लालच की वजह से उसने अपने दोस्तों से दूरी अख्तियार की और खुद को भी नुकसान पहुंचाया। जब जंगल में दोबारा बहार आई और सब कुछ हरा भरा हो गया, सेमी अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि खुश है कि उसने बांटने की अहमियत सीख ली। नतीजा, लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो सब खुश और महफूज रहते हैं। थैंक यू।